खास कैरी का अचार है, लीजिए। वाह वाह, अचार तो मेरी कमजोरी है। और हमारी कमजोरी है कि हमें जीत बहुत पसंद है, लेकिन कमबख्त कुछ दिनों से ये जीत जो है हमसे रूठी हुई है। अरे भाई जी, ये धरा नाम की अधर्मी को इस शहर से बाहर करो, सबसे बड़ी जीत होगी आपके लिए भी और हमारे लिए भी। एक बार धरा चली गई ना तो ये शांति सेना, ये दो धर्मों का एक होना सब खत्म हो जाएगा। कुछ ठोस करना होगा। उसको तो हम तोड़ेंगे, साथ में संजय को भी। हमसे बैर लेके ठीक नहीं किया उसने। अरे भाई जी से आंख मिलाने की हिम्मत की है, उस हिम्मत की शाबाशी तो मिलनी चाहिए ना उसे। इसका अंजाम तो उसे भुगतना पड़ेगा। हमारे धर्म की दुश्मन धरा को जड़ से उखाड़ कर बुलंदगन से बाहर करना है। हमारा तो उस मोहल्ले में रहना मुश्किल हो गया है भाई जी। एक तरफ वो धरा और दूसरी तरफ वो संजय, बड़ा हितैषी बना फिरता है। एक बात कहूं आपको, संजय के बल पर ये धरा इतना उछल रही है, संजय का इलाज करो, धरा का इलाज तो खुद ब खुद हो जाएगा। लीजिए, गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाइए। अरे उन दोनों की जिंदगी में कड़वाहट तो हम भर देंगे बस। और इस बार आजू बाजू नहीं, ठीक बीच में चोट पहुंचाएंगे। बस अगर आपकी मदद मिल जाए तो धरा शाही समझो। हम तो आपके साथ हैं भाई जी। कहिए कहिए। जी जी। Excuse me? Yes? Coach meeting? हाँ, यही है। You want some breakfast? No, thank you. Okay. Sir? Sir, आप sir? नहीं, तुम अब मेरी स्टूडेंट नहीं रही हो। Sir? सर, मैं हमेशा आपकी स्टूडेंट ही रहूंगी। Oh my God, आप ये क्या सरप्राइज है सर, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। What a pleasant surprise, really. कौन सी टीम के लिए कोच कर रही हो? मैं बुलंदशहर पब्लिक स्कूल मेरठ। रॉय's होम टीम। टीम बन गई? हाँ बन गई। उनको साथ लाते लाते आधा वक्त कट गया सर, लेकिन बच्चों की कोई गलती नहीं है। अभी पूरा शहर ही बट गया है तो क्या करेंगे, बट उम्मीद है कि इनका क्रिकेट अब सबको साथ लेके आएगा। उम्मीद तो मुझे भी थी कि तुम इंडिया से खेलो, लेकिन तुम जो कर रही हो, जिसके साथ कर रही हो, वो भी एक तरह से इंडिया के लिए बैटिंग की है। एक अच्छा कोच वही होता है जो एक साथ साथ एक अच्छा खिलाड़ी भी बना सके, एक अच्छा स्टूडेंट भी बन जाए। रियली प्राउड ऑफ यू, कीप इट अप। And I always knew you were different. Thank you, sir. आप मुंबई की टीम को कोच कर रहे हैं? हाँ, पिछले 3 साल से। 2 साल तो हमने ट्रॉफी जीत ली, अब देखते हैं शायद हैट्रिक हो जाए। अगर मैं इस टूर्नामेंट में नहीं होती तो शायद मैं ये कह देती कि आपके सारे इरादे पूरे हो। रॉय की तरह बातें करना कब से सीख गई हो तुम? वैसे हाँ, बातों बातों में रॉय है कहाँ? वो लंदन गया था, लंदन से आया तब से मिला ही नहीं मुझे। हाँ गए होंगे किसी लाका बावर, किसी और धरा को ढूंढने। हाँ वो शांत तो बैठ नहीं सकता। चलो मैं तुम्हें बाकी सबसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। हाँ। ये सब हमारी तरफ देख रहे हैं तो सोच रहे होंगे कि पहली बार एक महिला आई है कोच करने के लिए, क्यूरियोसिटी तो होगी ना। क्यूरियोसिटी तो मुझे भी है। बहुत सारी। Excuse me, can I have your attention, please? All of you. This is Dhara Solanki. I think the first time we've had a female coach attending this meeting, and I wish her all the very best for this tournament. So. सुनून, आदमी हो या औरत, कोच के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोच के लिए इम्पोर्टेंट है उसकी नौजोर। यस। चटर्जी सर, धरा बहुत अच्छी बैट्समैन रही है। और मुझे लगता है कि कमाल की कोच भी होगी। इसकी टीम बाकी टीमों को बहुत कड़ा मुकाबला देने वाली है इस टूर्नामेंट में। देख लीजिएगा। सर क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? कोशिश तो जरूर करेंगे अच्छा खेलने की, लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं फर्स्ट टाइम कोचिंग कर रही हूँ और आप जैसे दिग्गजों के बीच मुझे तो सीखने को ही मिलेगा ना। इट वुड बी अ वेरी वेरी बिग लर्निंग एक्सपीरियंस सर। एक्सक्यूज मी, यस कम। जस्ट वेट। ओके। और बोलो ना अपना नोटुन टीमेर व्यापार है, मतलब आपके नए टीम के बारे में कुछ बताइए। दरअसल बात यह है ना कि छोटे शहर में टैलेंट तो बहुत है, लेकिन उस टैलेंट को पहचानना मेन बाजीगरी है। अगर टीम में कुछ गड़बड़ है तो उसे ठीक करना तो कोच का काम है ना। आप सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही। वैसे मेरी टीम नहीं है, लेकिन प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। मतलब रिसोर्सेज भी कम है उनके पास, लेकिन खेलते बहुत अच्छा है। लेकिन सर आपको तो पता ही है, कमजोरियाँ तो हर प्लेयर में होती है। तो हाँ, थोड़ी बहुत कमजोरियाँ भी हैं, लेकिन अच्छा खेल लेते हैं सर। कमजोरियाँ कैसे कमजोरियाँ? हाँ मतलब अभी हमारे दो फास्ट बॉलर्स हैं, बशीर और परवेज, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। उनके बहुत नेचुरल स्किल्स है बॉलिंग के, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि अगर सामने वाला बैट्समैन उन पे अटैक करेगा ना तो रिदम टूट जाता है उनका। बस उसी प्रेशर से उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ। खूब खूब भालो कुलकर्णी, बिल्कुल सही कह रहा था। अरे सर, यू आर वेरी टैलेंटेड। थैंक यू। अच्छा ये बोलूँ कि अपना जो कैप्टन, मतलब आप अपने कैप्टन को कैसे चुना? क्या है कि न्यू टीम के लिए कैप्टन चुनना बहुत चैलेंज वाला काम है। हाँ बहुत मुश्किल था, लेकिन दिनेश शाक्या मेरा ऑनफील्ड कैप्टन बहुत अच्छा खेलता है। वो अच्छी बैटिंग भी कर लेता है, लेकिन बस उसका प्रॉब्लम ये है कि शॉर्ट पिच बॉल से डरता है। लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छे हैं उसमें। वो जब मोटिवेट करता है टीम को तो टीम बहुत अच्छी प्रैक्टिस करती है। मतलब फील्डिंग में अगर थोड़ा 19-20 हो जाए, मतलब कभी कभी होता है कि मेरी टीम थोड़ी सी फील्डिंग में कमजोर पड़ जाती है, तो वो बहुत अच्छे से मोटिवेट करता है। और जब वो मोटिवेट करता है तो बच्चे बहुत अच्छा खेल लेते हैं। आई थिंक मैंने बहुत अच्छा कैप्टन चुना है। हमारा जो कैप्टन है ना बहुत अच्छा है। हाँ बट वो जो विकेट कीपर है ना वो थोड़ा गड़बड़ है। वो अगर ठीक हो गया ना तो हमारा टीम एकदम बैलेंस है। अच्छा एक बार बताओ, आपका जो विकेट कीपर है वो अच्छा बैट्समैन है क्या? ही इज गुड बैट्समैन? विराट हा? नहीं, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। मिडिल ऑर्डर? हाँ, लेकिन कीपिंग कमाल की करता है। एकदम अमेजिंग रिफ्लेक्सेस है उसके। गॉड्स गिफ्ट। वैसे प्रॉब्लम यह है कि उसके घर के हालातों की वजह से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं मिलता उसे, लेकिन अदरवाइज प्लेयर बहुत ही अच्छा है। ओके दारा, सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अब हमारी मुलाकात टूर्नामेंट में होगी। जी अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू क्यों बोला इसने? I'll call you back. क्या हुआ? क्या पूछा था तुमसे? वो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन था सर। अच्छा? एकदम इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, उनकी टीम के बारे में, मेरी टीम के बारे में जानकारी ले रहे थे। बस कमजोरियां क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है। वेरी नाइस। तुम बहुत अच्छी क्रिकेटर हो, उससे अच्छी तुम इंसान भी हो, लेकिन कोचिंग के बारे में तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। मार क्यों रहे हो सर? मैंने क्या किया? क्या किया? बीडीएस का तुम अच्छी हो, इसका ये मतलब नहीं कि बाकी लोग भी अच्छे होंगे। बातों बातों में तुम्हारी टीम की सारी इंफॉर्मेशन निकाल के ले गया, सारी सीक्रेट्स निकाल के ले गया। क्या? अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था मुझे। अब भगवान से प्रार्थना करो कि तुम दोनों की टीम आमने सामने ना आए इस टूर्नामेंट में। तो ना माहित नहीं है, वो चैटर्जी उन लोगों में से है जो खेल को मैदान से बाहर ले जाते हैं। जीतने के लिए वो कुछ भी करेंगे। Stop this crying now. ऐसे मुंह लटका के खड़ी रहोगी तो तुम्हारी टीम का क्या होगा? वो कॉन्फिडेंस और मोरल यहाँ होगा। धरा, जो हुआ सो हुआ। अभी भी टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ है। दुखी होने वाली कोई भी बात नहीं है ना। चीयर अप। जब एक खिलाड़ी मैदान में उतरता है और सर उठा के उतरता है तब अच्छा लगता है। करेक्ट? कम, आई ब्लेस यू, कम, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आओ कॉफी पियेंगे। मेरी तमन्ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।